प्रेस द लॉर्ड बच्चों, आज हम आपके फेवरेट प्रोग्राम ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एंजल्स यानी स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे और आपके कुछ फ्रेंड के एक्शन सॉन्ग भी देखेंगे। सभा को शुरू करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपको चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर पिता। पिछले एक हफ्ता हमारा साथ और संग रहा परमेश्वर, हर मुसीबत से हमको बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारे हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु, सबको आप आशीष करिए परमेश्वर। आज जो कुछ भी हम सिखाएंगे परमेश्वर, वो सब उन लोगों के दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने परमेश्वर पिता। उनके पेरेंट्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर, उनके टीचरों को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, सबको आप आशीष करिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम आपके ज्योत्सना दीदी से एंजल्स यानी स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे, तो आप तैयार हैं? तो आइए हम जल्दी से सीख कर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज हम परमेश्वर की एक अद्भुत सृष्टि के बारे में देखने जा रहे हैं, स्वर्गदूत एंजल्स। एंजल जो शब्द है ग्रीक भाषा के एंजेलोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर, संदेश वाहक, सूचना देने वाला या परमेश्वर के वचन को अनाउंस करने वाला। सो, जब हम स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में एक सुंदर सा व्यक्तित्व आता है, जिसके दो पंख हैं, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके शरीर से रोशनी निकल रही है और उसके सिर पर चमकता हुआ एक हैलो है। तो क्या ऐसे ही होते हैं स्वर्गदूत? चलिए देखते हैं बाइबल क्या बताती है स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर ने की। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि पृथ्वी को बनाने से पहले की, और इनकी जो संख्या है वो लाखों करोड़ों में है, अनगिनत है। वचन हमें ये भी बताता है कि स्वर्गदूत जो हैं वो आत्माएं हैं और उनके हमारी तरह शरीर नहीं होते हैं, और परमेश्वर जिस कार्य के लिए उन्हें भेजते हैं उस कार्य के अनुसार वो अपना रूप जो है वो धारण करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने दूतों को पवन और आग बनाता है। सो, परमेश्वर अगर मनुष्यों के पास उन्हें भेज रहे हैं तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों को मनुष्य का रूप भी देते हैं। पर एक मुख्य बात यह है कि हम स्वर्गदूतों को अपनी इच्छा से नहीं देख सकते। परमेश्वर जब तक उन्हें हमारे ऊपर प्रकट ना करें, हम स्वर्गदूतों को बिल्कुल नहीं देख सकते। बाइबल में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बिलाम की गधी ने स्वर्गदूत को देखा पर बिलाम नहीं देख सका, पर जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तब उसने उस दूत को देखा जो तलवार लिए हुए खड़ा था। और यहोशू के सेवक ने, जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तब उसने अग्निमय रथों और घोड़ों को देखा। और उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो रात के समय परमेश्वर ने गड़ड़ियों के ऊपर स्वर्गदूतों को प्रकट किया। तो ये बात तो सच है कि हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर उन्हें हमारे ऊपर प्रकट ना करे। बाइबल में स्वर्गदूत जो शब्द है एक वचन में या बहुवचन में 300 बार आया है, और लगभग 100 से ज्यादा बार स्वर्गदूत जो है मनुष्य के ऊपर प्रकट हुए हैं। लोगों की सहायता करने के लिए और उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें विशेष रूप से भेजते थे। तो ये थे स्वर्गदूतों के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम देखते हैं स्वर्गदूतों के बारे में और अधिक जानकारी क्या है। सो, कुछ तथ्य हम देखते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूतों की सृष्टि पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर ने की, और ये बात हम पाते हैं अय्यूब 38वां अध्याय उसके 3-4 वचन में। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए, और ये बात हम पाते हैं कुलूसियों 2:16-18 में। तीसरी बात हम पाते हैं कि स्वर्गदूतों में प्रधानताओं और अधिकारों का क्रम है, और ये बात हम पाते हैं कुलूसियों 1:16 में। चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि स्वर्गदूतों की गिनती लाखों करोड़ों में है और उन्हें हम गिन नहीं सकते, और ये बात हम पाते हैं इब्रानियों 12:22 और प्रकाशित वाक्य 5:11 पद में। पांचवी बात जो हम देखते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और लगातार परमेश्वर के सम्मुख वो उपस्थित रहते हैं,
और ये बात हम पाते हैं मत्ती 18 के 10वें पद में। छठवीं बात जो हम देखते हैं वो ये है कि अधिकतर स्वर्गदूतों के जो रंग रूप है वो मनुष्यों की तरह दिखाई देते हैं, और इसे हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 से 11वें पद में, यहोशू 5 और उसके 13वें पद में हम देख सकते हैं। सातवीं बात जो हम देखते हैं वो ये है कि स्वर्गदूतों में शादी ब्याह नहीं होते हैं, और ये बात हम देख सकते हैं मत्ती 22 के 30 में। आठवीं बात जो हम देखते हैं वो ये है कि स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली होते हैं, और इस बात को हम पाते हैं भजन संहिता 103 के 20 में। और जो नवी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और वो ऐसे ही आज्ञा नहीं मानते, वो बड़ी ही तत्परता से बहुत खुशी से बिना प्रश्न किए इमीडिएटली परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उसका वो पालन करते हैं। हमने एंजल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्ट्स के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि उनका टाइप्स क्या है और बाइबल हमें कितने प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। बाइबल में मुख्य तरह 5 प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला है सेराफिम साराफ, दूसरा जो है वो है करूब चेरुबिम्स, तीसरा जो है वो है जीवित प्राणी जिसको हम लिविंग क्रिएचर्स बोलते हैं, चौथी कैटेगरी में जो है वो है आर्क एंजल्स प्रधान स्वर्गदूत, और पांचवी कैटेगरी में जो है वो है कॉमन एंजल्स या फिर आम स्वर्गदूत। सो इन स्वर्गदूतों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, आप एक राजा के बारे में तो जानते ही हैं, जब हम राजा को देखते हैं तब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके पास, उनके दरबार में, उनके सिंहासन के पास कुछ गणमान्य लोग होते हैं, और अगर राजा को संदेश देना है तो उनके पास संदेशवाहक भी होते हैं, राजा के पास एक सेना होती है और सेना का सेनापति होता है, और राजा की एक प्रजा होती है और उस प्रजा से डील करने के लिए भी बहुत सारी अथॉरिटी होती है। सो इसी क्रम में हम परमेश्वर की इस सृष्टि स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और वो ही सर्वोच्च राजा है, और उसी प्रकार ये स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर के राज दरबार में उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले हम जिस स्वर्गदूत के बारे में देखने जा रहे हैं वो है साराफ, जिसे हम सेराफिम भी कहते हैं। सेराफिम इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एन एंजल ऑफ हाईएस्ट रैंक, अर्थात सेराफिम को एक उच्च दर्जा मिला हुआ था, और सेराफिम के बारे में हम यशया की 6वीं अध्याय में देख सकते हैं, पहले वचन से लेकर के 8वें वचन में। यशया नबी ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा तब उन्होंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उनके सिंहासन के ऊंचे पर साराफ जो है वो उड़ रहे थे, और जब यशया ने देखा सराफों को उनके 6-6 पंख थे। क्या आपने 6 पंखों वाले स्वर्गदूतों के बारे में कभी सुना है? हमने तो शायद सिर्फ 2 पंखों वाले स्वर्गदूतों के बारे में सुना है, बट यशया ने जो स्वर्गदूत को दर्शन में देखा उसके 6 पंख थे, और 2 से वो अपने चेहरे को ढांपे हुए थे, 2 से वो अपने पैरों को ढांपे हुए थे, और 2 पंखों से वो उड़ रहे थे। और सबसे विशेष बात जो उनमें थी वो ये थी कि वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उनके तेज से भरपूर है, यशया 6:3। इस वचन में साराफ के कुछ विशेष कार्य के बारे में बताया गया है। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर परमेश्वर की पवित्रता और महानता के बारे में वर्णन कर रहे थे, अर्थात वो लगातार परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। चलिए बच्चों, हम दूसरे प्रकार के स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं, और ये स्वर्गदूत हैं करूब, जिन्हें हम चेरुबिम्स भी कहते हैं। यहेजकेल ने इन करूबों को देखा था, यशया भविष्यवक्ता ने जिन स्वर्गदूतों को देखा वो साराफ थे और उनके 6 पंख थे, बट यहेजकेल भविष्यवक्ता ने जिन स्वर्गदूतों को देखा वो करूब थे और उनके 4 पंख थे, और विशेष बात उनकी ये थी कि उनके 4 मुख भी थे, 4 प्राणियों के मुख एक ही स्वर्गदूत में। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? सबसे पहले हम करूबों के पंखों के बारे में देखते हैं। करूब अपने 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से वो उड़ रहे थे। दूसरी बात, उनके 4 मुख थे, तो उन मुखों के बारे में हम देखते हैं। पहला जो मुख था वो मनुष्य के समान था, दूसरा जो मुख था वो सिंह के समान था, तीसरा जो मुख था वो था बैल के समान, और जो चौथा मुख था वो था ईगल उकाब पक्षी के समान। यह स्केल 1:10 में हम करूब के 4 फेसेस के बारे में पाते हैं। जो 4 फेसेस हैं करूब के वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन देते हैं,
पहला जो फेस है करूब का वो मनुष्य के समान में, और ये मनुष्य समान जो फेस है वो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे लिए मनुष्य बनकर के आए। जो दूसरा फेस है करूब का वो सिंह के समान है, जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को दर्शाता है। तीसरा जो फेस है करूब का वो बैल के समान है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। और करूब का जो चौथा फेस है वो ईगल उकाब पक्षी के समान है, जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। सो करूब एक विशेष प्रकार का स्वर्गदूत था और उसको परमेश्वर ने अपने सिंहासन के नीचे रखा था। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन करूबों के ऊपर विराजमान है। करूब और चिरोबिम्स जो हैं वो थिंग्स को गार्ड करते हैं, और हम ये पाते हैं उत्पत्ति की किताब में भी, जब आपने पढ़ा भी होगा कि आदम और हवा को जब अदन की वाटिका से निकाला गया तो जीवन के वृक्ष की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने पूर्व दिशा में करूबों को नियुक्त किया था। और जब जीबी आंटी ने आप लोगों को मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ाया तब उन्होंने वाचा का संदूक और प्रायश्चित के ढकने के बारे में पढ़ाया था, और उस संदूक का जो ढक्कन था उसके ऊपर दो सोने के करूब के बारे में आपने पढ़ा था। और ये वही जगह है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान होती है। सो करूब का मुख्य जो स्थान था वो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे था, वो परमेश्वर के सिंहासन को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब बच्चों हम तीसरे प्रकार के स्वर्गदूत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के स्वर्गदूत हैं और इन्हें स्वर्ग में एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। ये हैं जीवित प्राणी, या फिर हम इन्हें लिविंग क्रिएचर्स कहते हैं। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में अपने दर्शन की बातों को जब लिखा तो प्रकाशित वाक्य की किताब चौथे अध्याय में हम इनका वर्णन को पाते हैं। जब यूहन्ना ने दर्शन देखा उन्होंने चार प्राणियों को देखा, और ये करूब के समान तो थे पर इनके चार सिर नहीं थे, एक प्राणी का एक ही सिर था। बट वो सिर एक समान नहीं थे, हर सिर एक से अलग था, भिन्न था। और इनकी विशेषता ये थी कि इनके भीतर और बाहर चारों तरफ आंखें ही आंखें थी, और इनके भी छह पंख थे। यूहन्ना ने चार लिविंग क्रिएचर्स को देखा था। पहला जो प्राणी था उसका रूप मनुष्य के जैसा था, दूसरा जो लिविंग क्रिएचर था उसका जो रूप है वो सिंह के समान था, तीसरा जो लिविंग क्रिएचर था उसका रूप बछड़े के समान था, और जो चौथा लिविंग क्रिएचर है उसका रूप उड़ते हुए उकाब पक्षी के समान था। तो हम आगे से देखते हुए आ रहे हैं कि जो साराप हैं वो ऊंचे पर उड़ते हैं परमेश्वर के सिंहासन के, और जो करूब हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे में रहते हैं, परंतु जो लिविंग क्रिएचर है जीवित प्राणी हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ और परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिखाई दिए, और वे लगातार एक ही बात दोहराते रहते हैं बिना रुके बिना थके, और वो बात यह है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला है। इसे हम प्रकाशित वाक्य 4:8 में देख सकते हैं। वध किया हुआ मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने जब मुहर बंद किताब को अपने हाथों में ली उस मुहर को खोलने के लिए, तब 2400 प्राचीन और ये चारों प्राणी प्रभु के सामने गिर पड़े, और उनके हाथ में वीणाएं थी और उनके दूसरे हाथ में प्रार्थनाओं से भरे हुए कटोरे थे। और ये प्रार्थनाओं से भरे हुए कटोरे हमको ये बताते हैं कि जब हम कभी भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी विनती और जो प्रार्थना है इन कटोरों में जाती है और वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। अब बच्चों हम चौथे प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं, जिन्हें हम प्रधान स्वर्गदूत या फिर आर्क एंजल कहते हैं। नाम के अनुसार ही प्रधान स्वर्गदूत या आर्क एंजल का मतलब होता है चीफ एंजल्स, प्रधान एंजल, और उनको विशेष तरह के अधिकार दिए गए हैं। बाइबल हमें तीन प्रकार के प्रधान स्वर्गदूतों के बारे में बताती है, तो चलिए हम उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला जो स्वर्गदूत है वो है मिकाएल, और मिकाएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर के समान, ये इब्रानी भाषा का एक शब्द है। और जो मिकाएल स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की लोगों की सुरक्षा के लिए था, और परमेश्वर के लोग मुख्यतः इसराइलियों के लिए विशेष बातों में उनके लिए बहुत ध्यान रखता था। यहोशू जब यरीहो के पास था तब उसने तलवार लिए हुए एक पुरुष को खड़े हुए देखा और उससे पूछा कि तू किसकी ओर है। तब उस पुरुष ने कहा कि मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान हूँ और जो यहाँ आया हूँ। दूसरी बात हम देखते हैं मिकाएल के बारे में, हिजकिया राजा के दिनों में जब अश्शूरियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तब परमेश्वर के दूत ने अश्शूरियों की छावनी में जाकर
रात में 185,000 लोगों को मारा। दानियल की किताब में हम देखते हैं जब दानियल उपवास और प्रार्थना में बैठा हुआ था और अपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर से जब वो मांगने के लिए बैठा हुआ था, तब जिब्राइल उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आ रहा था, तब 21 दिन तक 3 सप्ताह तक फारस का प्रधान, दुष्ट जो प्रधान है, वो उसको रोके रखा था। परंतु जब मिकाएल उसकी मदद करने के लिए आया, तब जिब्राइल जाकर के दानियल को दर्शनों का अर्थ और परमेश्वर की बातों को बताने पाया। तो इस तरह मिकाएल को हम देखते हैं कि वो हमेशा योद्धा के रूप में सामने आया इसराइली लोगों के सामने में। आने वाले दिनों में भी एक युद्ध होने वाला है आकाश में, और उस समय जो अजगर है वो मिकाएल के साथ लड़ेगा, परंतु वो अजगर मिकाएल से प्रबल नहीं हो पाएगा और मिकाएल की जीत होगी। और उसी प्रकार हम पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर हमको लेने के लिए आएंगे, तब प्रधान स्वर्गदूत का शब्द होगा। वो शब्द इसलिए होगा क्योंकि हम जो विश्वासी हैं, जब प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तब आकाश की दुष्ट शक्तियों को हटाने के लिए और हम प्रभु से मिलें, उसके लिए वहाँ पर मिकाएल और उसकी सेना जो है वो तैनात रहेगी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो मिकाएल है परमेश्वर की सेना का, परमेश्वर के जो स्वर्गीय सेना है उसका वो प्रधान है। ही इज द चीफ कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी। दूसरा जो प्रधान स्वर्गदूत है उसका नाम है गैब्रियल, जिब्राइल, और जिब्राइल शब्द का अर्थ है परमेश्वर का जन। जिब्राइल जो है वो परमेश्वर की वचन की अनाउंसमेंट, उद्घोषणा करने वाला एक स्वर्गदूत था। हम लुका की किताब में पाते हैं जब परमेश्वर ने जिब्राइल को जकरिया के पास भेजा और उन्हें ये बताया कि जकरिया और एलिशिबा से यूहन्ना उत्पन्न होने वाला है। यही जिब्राइल नासरत में मरियम के पास भेजा गया और मरियम से उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, तो स्त्रियों में धन्य है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास भी गया था ताकि उसे आने वाले दिनों की बातों और भविष्यवाणी की उन भेद भरी बातों का अर्थ समझाए। तो इस प्रकार हम पाते हैं जिब्राइल अनाउंसमेंट करने वाला, परमेश्वर की वचन की उद्घोषणा करने वाला एक प्रधान स्वर्गदूत था। उसने परमेश्वर की ओर से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस दिए, परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी कर करके दी। तो अब बच्चों हम तीसरे प्रकार के प्रधान स्वर्गदूत के बारे में बातें करने जा रहे हैं और उसका नाम है लूसीफर। लूसीफर का अर्थ होता है छाने वाला, और लूसीफर जो स्वर्गदूत था वो सारे स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान नियुक्त किया गया था। हम पाते हैं जिब्राइल और मिकाएल के नाम के अंत में एल शब्द आता है जिसका अर्थ है परमेश्वर, परंतु लूसीफर के नाम के अंत में एल नहीं आता है, अर्थात उसमें ईश्वरत्व नहीं था। लूसीफर को एक विशेष कार्य दिया गया था और वो कार्य था परमेश्वर की आराधना करने का कार्य। लूसीफर के बारे में हम यहेजकेल 28 उसका 12 से 13 में देख सकते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लूसीफर रत्नों और मूल्यवान पत्थरों से जड़ा था और उसमें संगीत था। परमेश्वर ने उससे कहा था, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर, परमेश्वर की अदन नाम बारी में रहा करता था। उसके पास माणिक थे, डफ और बांसुरियां उसी में ही बनाई गई थी जिस दिन वह सृजा गया। वह जीता जाता वाद्य यंत्र था, उसी में संगीत की धुनें और रचनाएं थी, और वह स्वर्ग को परमेश्वर की स्तुति और आराधना से भर देता था। उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने का अधिकार था। वह एक साधारण स्वर्गदूत नहीं था, परमेश्वर ने उसे छाने वाले अभिषिक्त करूब के रूप में चुना था। वह उन करूबों की तरह नहीं था जो यहेजकेल ने देखे थे। वह प्रधान स्वर्गदूत था, प्रमुख था, अभिषिक्त करूब था। उसका कार्य परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना था। लूसीफर ही एकमात्र स्वर्गदूत था जिसके पास दो पद थे, पहला आराधना करने वाला और दूसरा छाने वाला करूब। उसे दूसरों से ऊंचा उठाया गया था, वह अपने सब कामों में परफेक्ट था। परंतु यशया 14 अध्याय 12 से 15 में हम पाते हैं, लूसीफर अपनी सुंदरता के कारण फूल उठा था और वह अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करना चाहता था, परम प्रधान के तुल्य होना चाहता था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसमें घमंड आ गया था, सांसारिक यश और सम्मान के कारण वह परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने को बैठ गया। परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया। विद्रोह के कारण लूसीफर को परमेश्वर ने स्थायी तौर पर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया।
और उस एक तिहाई स्वर्गदूत को भी लूसीफर शैतान के साथ स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। शैतान ने उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध भड़का दिया था और इसके बाद पृथ्वी का सर्वनाश हुआ। परंतु परमेश्वर ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया और उन्होंने हमें बनाया और हमें चुना कि हम उनकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले रौंद सके। लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध होकर के शैतान बन गया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया, परंतु मिकाएल और जिब्राइल वो दोनों मिलकर आज भी परमेश्वर की उस महान योजना में शामिल हैं और उसे पूरा भी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने चार प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में सीख लिया है। अब हम पांचवें स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं, जिनका सीधा संबंध मनुष्यों से है। और इन स्वार्गिक प्राणियों को सीधे ही मनुष्यों के पास भेजा जाता था और इनके बाइबल में विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। जैसे कि दानियल की किताब में हम पाते हैं इन्हें पवित्र पहरुआ कहा गया है। भजन संहिता 82:1 में इन्हें परमेश्वर की सभा कहा गया है। अय्यूब में इन्हें परमेश्वर के पुत्र करके संबोधित किया गया है। भजन संहिता 103:21 में इन्हें परमेश्वर की सेना या प्रभु की सेना करके संबोधित किया गया है। आम स्वर्गदूतों में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं, जैसे कि आम स्वर्गदूत बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, वे बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं। स्वर्गदूत धीरजवंत होते हैं, वे विनम्र होते हैं और उन्हें आनंद मनाना आता है जब पृथ्वी पर कोई जन परमेश्वर को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तब वे स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। स्वर्गदूत आज्ञाकारी होते हैं और वे दृश्य या अदृश्य रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। और इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही तेज गति से या तेज रफ्तार से ये यात्रा कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने स्वर्गदूतों के बारे में सीखा और ये भी सीखा कि वे कौन हैं और उनकी सृष्टि कैसी है, और हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से वर्गित किया है परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए। जैसे कि साराप, वो ऊंचे पर परमेश्वर की पवित्रता और महानता का वर्णन करते हैं। परमेश्वर ने हमें भी बनाया है कि हम भी उनकी पवित्रता और महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएं। परमेश्वर का सिंहासन करूबों के ऊपर विराजमान है। करूब परमेश्वर के सिंहासन के नीचे हैं और वो उसे गार्ड करते हैं। हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, प्रभु हम में निवास करना चाहता है। और जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, तब वो हमारी स्तुतियों में विराजमान होते हैं। और वैसे ही जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर्स, परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थनाओं से भरे हुए कटोरे लेकर के उपस्थित रहते हैं। हम भी लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं, परमेश्वर के सामने विनती करने वाले हो जाएं। मिकाएल जो है वो परमेश्वर की सेना का प्रधान है। हमें भी परमेश्वर ने एक आत्मिक योद्धा बनाया है और अपने आत्मिक हथियार हमें दिए हैं, और वो चाहते हैं कि हम शैतान का सामना करें, कि वो हमारे सामने से भाग जाए। और हम भी वैसे ही जैसा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के एक सच्चे आत्मिक योद्धा बने। जिब्राइल परमेश्वर की वचन की और उन बातों की जो भविष्य में होने वाली है अनाउंसमेंट करता है, लोगों को मैसेजेस देता है, परमेश्वर के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाता है। परमेश्वर ने हमें भी चुना है उसी तरह कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। हम लूसीफर की तरह धोखेबाज ना बने, जिसने घमंड किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और वो शैतान बन गया। परंतु वचन हमें सिखाता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता से रहें, ताकि परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाए। कॉमन एंजल्स को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिए थे, और वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी अलग अलग टैलेंट दिया है। जरूरी नहीं है कि एक ही टैलेंट से ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जो टैलेंट परमेश्वर ने हमको दिया है, जो खूबी हमको परमेश्वर ने दी है, उस ही खूबी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाएं। तो इस प्रकार हमने देखा, स्वर्गदूतों की सृष्टि भी अलग अलग थी और उनके कार्य भी अलग अलग थे। परंतु बच्चों, क्या आपको पता है उनके में एक बात जो कॉमन थी, जो सब में थी, और वो बात यह थी कि वे परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी खुशी से, बड़ी तत्परता से, बिना प्रश्न किए तुरंत ही मानते थे। और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दी हैं, उन्हें वो तत्परता से मानते थे। तो वैसे ही हम भी बच्चों, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं, उसे माने और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाएं। अब हम
आपके कुछ फ्रेंड्स से बाइबल वर्ड सुनकर आते हैं। बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुझ जानते हैं। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सबो प्रदेशक 12:13। हालेलुया। अब बारी है बच्चों आशन सॉन्ग की, जिसे आपके दोस्त आपको सिखाएंगे, तो आइए हम जल्दी से सीख कर आते हैं। आया है यीशु, आया है यीशु, आया है मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परम प्रधान के छाए स्थानों में, सर्वशक्तिमान के पंखों तले रहूंगा मैं निर्भय होकर, गाऊंगा स्तुति गीत सदा। यीशु है विजय प्रभु, विजय प्रभु, विजय प्रभु। यीशु है विजय प्रभु, विजय प्रभु सर्वदा। विजयी 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 सर्वदा। शैतान है बच्चों, आज हमने एंजल यानी स्वर्गदूतों के बारे में जाना कि परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को भी कितने अद्भुत तरीके से बनाए कि वह उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। हमने यह भी देखा कि हमें उन 5 प्रकार के दूतों को देखा, किन किन बातों के लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें बनाया है। हमें भी उन्हीं की तरह हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होना चाहिए। और आज हमने आपके दोस्तों से वजनों के साथ साथ एक एक्शन सॉन्ग भी सीखा कि हमारा प्रभु विजयी प्रभु है, वह हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आपने हमारा सहायता किया। परमेश्वर, आपका इच्छा के अनुसार पिछले 29 एपिसोड करने के लिए आपने सहायता किया। आज जो कुछ हम सीखा है परमेश्वर, पिछले दिनों में जो कुछ हम सीखा है परमेश्वर, हमारा दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर, उसके अनुसार जीवन चलाने के लिए आप हमारा सहायता करिए। परमेश्वर पिता, आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को, पेरेंट्स को आपका हाथों में देते, हर टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर। जो कुछ हमारा जीवन में हम सीखा परमेश्वर, वो हमारा जीवन में 30, 60, 100 गुना फलदायक होने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। आने वाला हफ्ता परमेश्वर, हम एक दूसरे को मिलने के लिए आप सहायता कर रहे, इसलिए धन्यवाद। आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सबको आप आशीष करिए परमेश्वर पिता, सबको आप संभाल कर रखिए परमेश्वर। विद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बच्चों, मैं आज एक खुशखबरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आने वाला हफ्ता हम एक दूसरे से मिलकर स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि
यह ऑनलाइन संडे स्कूल हमारा अंतिम एपिसोड है। हमने अब तक 19 एपिसोड में बहुत से नया कहानियाँ गीतों को एशियन सॉन्ग सीखे हैं और हाउ आई मेट माय मास्टर नामक नाटकीय रूपांतरण मिलाप वाला तंबू LIP नामक सीरियल पौलुस और यीशु के जर्नी को माप के द्वारा सीखे हैं। ऐसे बहुत से बातों को सीखने और सिखाने में प्रभु ने हमारी सहायता किया। मैंने सभी संडे स्कूल टीचर्स और उन सभी बच्चों का जिन्होंने इसमें भाग लिया और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए इसका पीछे मेहनत किया है, मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब आशीषित हुए होंगे। तो बच्चों, आप सब हमारी सिखाए हुए सभी बातों को याद रखते हुए अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए और अपने दोस्तों से हमारा इस प्रोग्राम को साझा करें। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।